नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लिटर्स। आज पांचवल में भाजपा और भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीते दिनों गए 17 सितंबर को जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे सप्ताह भर सेवा सप्ताह के रूप में मनाकर जिले के हर मंडल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में आज पांचवल के बनारिया धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपाइयों ने रक्तदान करवाकर कार्यक्रम को सफल बनाया। वहीं भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्थानीय मेन रोड पर स्वच्छता का संदेश देते हुए झाड़ू भी लगाई। कार्यक्रम के उपरांत सभी रक्तदाताओं को सम्मान पत्र व स्मृति चिन्ह भी दिए गए। वहीं इस कार्यक्रम की विशेषता ये रही कि सभी रक्तदाताओं को नरेंद्र मोदी के चित्र वाली स्टीम मशीन दी गई, जिससे कोरोना महामारी के बीच में बचाव किया जा सके। पूर्व मंत्री व महेश्वर विधायक डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधु ने रविवार को महेश्वर तहसील के विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 15 लाख रुपए के शिलान्यास किए। डॉक्टर साधो ने ग्राम नंद्रा में संत श्री रविदास सामुदायिक भवन, ग्राम गतरगांव के अनुसूचित जनजाति समाज के सामुदायिक भवन तथा ग्राम भामपुरा में सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया। इन तीनों भवनों की लागत 5-5 लाख रुपए है। डॉक्टर साधो ने ग्राम गतरगांव और पिपलिया बुजुर्ग की 29 ग्राम पंचायतों के 70 गांवों को 88 बर्तन सेट भी वितरित किए। दोनों स्थानों पर वितरित किए गए बर्तन सेटों की कुल कीमत 17,60,000 रुपए बताई जा रही है। नगर के प्रख्यात मां वैष्णो देवी मंदिर भंडारा स्थल पर कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा सांसद व सांसद द्वारा किया गया पौधारोपण। वही भंडारा स्थल को पिकनिक स्पॉट व गार्डन के लिए डेवलप करने के लिए कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। मां वैष्णो देवी मंदिर समिति द्वारा 25 वर्षों से जहां भंडारा किया जाता जा रहा है, उस स्थल को गार्डन व पिकनिक स्पॉट के लिए डेवलप किया जाना है, जिसके लिए कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। कसरावत की ग्राम पंचायत भिलगांव में कोरोना बीमारी महामारी है कि नारे लगाते हुए स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अरियन नगर से कोरोना जागरूकता की रैली निकाली। रैली में सरपंच, सचिव, समाज सेवी व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अरियन नगर में जागरूकता का संदेश दिया और मास्क का वितरण भी किया। वहीं लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करने का निर्देश भी दिया। चाचरिया नगर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करने के विरोध में गौरव मालविया द्वारा चाचरिया चौकी प्रभारी को ज्ञापन देकर उक्त व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त व्यक्ति ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर महात्मा गांधी मुर्दाबाद का नारा लिखकर पोस्ट डाली थी। आज हम चाचरिया चौकी में आवेदन देना है चौकी प्रभारी को। अजय मालविया द्वारा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए स्टेटस रखा है, उसके विरोध में हम चौकी में आवेदन देना है। न्यूज लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।